दिस न्यूज ब्रॉट टू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार स्वारघाट हुस्न चंद चौधरी ने उपमंडल स्वारघाट में धारा 144 लागू कर दी है, जो 15 नवंबर तक जारी रहेगी। हुस्न चंद चौधरी ने बताया कि उपमंडल स्वारघाट के तहत कुछ ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री हेतु स्थान चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए SDM स्वारघाट से अनुमति पत्र लेना होगा। बिना अनुमति के अगर कोई व्यक्ति पटाखे बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखे चलाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 10 बजे तक रहेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए कम पटाखे फोड़ें, ताकि क्षेत्र में प्रदूषण ना फैल सके तथा लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आपको पता ही है कि 14 तारीख को दिवाली जो है पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी, तो प्रशासन की तरफ से हम आम जनता के लिए कुछ हमारे जो है सुजेशंस हैं, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं वो आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें सब डिवीज़न स्वारघाट में हमने कुछ एक प्लेसेस जो है आइडेंटिफाई किए हैं, और इन आइडेंटिफाइड प्लेसेस पे ही दुकानदार के या कोई अगर कोई व्यक्ति विशेष दिवाली के पटाखों की बिक्री करना चाहता है तो इन प्लेसेस पे ही वो सिर्फ जो है अपनी दुकान जो है सेटअप कर सकता है और यहाँ पे इनकी बिक्री जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सब डिवीज़न स्वारघाट में, अगर मैं स्वारघाट की बात करूँ तो हमारा जो बस स्टैंड है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बस स्टैंड और रामशहर नालागढ़ चौक, यहाँ पे ही प्लेस जो है हमने आइडेंटिफाई किया है और इसी को ही दुकानदार जो है बिक्री के लिए यूज़ कर पाएंगे। नैना देवी क्षेत्र की अगर बात करूँ तो घोंडल चौक और मंदिर के पास नियर गुफा पार्किंग और PWD रेस्ट हाउस श्री नैना देवी जी, ये 3 प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा जो निचला हमारा मैदानी इलाका है वहाँ पे टोबा के साथ ही हमारा रेन शेल्टर है, बहल पंचायत में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड बहल, और कोलावाला में पंचायत घर के पास में, ये हमने कुछ प्लेस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे पटाखों की बिक्री जो है सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे सब डिवीज़न में कुल 26 पंचायतें हैं और काफ़ी ग्रामीण इलाका भी इसमें जो है कवर करना है, तो कंसर्न जो पंचायत का प्रधान है वो एक एरिया जो है आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे ही पटाखों की बिक्री जो है सुनिश्चित की जाएगी। हमने पंचायत प्रधानों को इस बार ये स्पेशल जो है रियायत दी है कि अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी पंचायत में अपनी सुविधा के माध्यम से सुविधा अनुसार वो जो है उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करें। तो जहाँ तक पटाखों की बिक्री का सवाल है तो इसके लिए स्पेशल परमिशन जो है सब डिविजन मैजिस्ट्रेट की तरफ से ही जारी होंगे। लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेल ऑन टाइम हमें यहाँ सबमिट करवाए और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम एक परमिशन जो है यहाँ से हम जारी करेंगे। जहाँ तक जनरल इसको ऑब्जर्व करने की बात है तो अभी धारा 144 जो है आज अभी इमिडिएटली इफेक्ट से यहाँ से शुरू हो गई है और ये 15 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें कि 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ही आप पटाखे जो है जला सकते हैं। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखे जलाने पे जो है पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और इसका जो है कड़ाई से हम लोग इसकी अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। आपके जितने भी हमारे प्लेसेस हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, और अगर कोई ऐसा दूसरा प्लेस है जहाँ जिसको कि गवर्नमेंट द्वारा साइलेंस जोन डिक्लेयर किया गया, उसके 100 मीटर के अंदर ना ही पटाखों की बिक्री की जा सकती है और ना ही जो है आप वहाँ पे पटाखे जो है किसी तरह के पटाखे बजा सकते हैं। ये कुछ सामान्य जो है सरकार की गाइडलाइंस हैं जिनको कि हम आपके माध्यम से यहाँ सभी को अवगत करवाना चाहते थे और आम जनता से हम यह अनुरोध भी करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार कोविड महामारी का दौर अभी भी चला हुआ है और प्रदूषण से जो सांस लेने की दिक्कतें, ऐसी कई तरह की दिक्कतें का, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी आपके माध्यम से विशेष मैं अपील भी रहेगी जनता से कि इस दिवाली के मौके पर कम से कम पटाखे जलाएं ताकि ध्वनि प्रदूषण और आपका जो है वायु प्रदूषण इससे कम हो, और विशेष रूप से अपने जो सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर।